अच्छा जी, तो ये मूंग की दाल है, ये पीस के रखी हुई है। आज ना चली गई, मैं इसको कद्दूकस की हेल्प से कर लूंगी और इसको चटुबटे में क्रश कर लेंगे, ठीक है। बस हमारे मैंने नहीं, सॉरी मम्मा ने और भाभी ने पीसी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अब फ्राई करना है। अच्छी बना रही है आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, अगर नहीं अच्छी बना रही तो आपने मुझे तब भी बताना है। होगी मैंने कहा नीचे बड़बड़ 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 करते हुए हम बोलेंगे। ये देखें कैसी लग रही है व्यूअर्स, मुझे कमेंट्स में बताइए। अंगूठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं और मुझे YouTube चैनल वेली कुड़ी मिलकर आप लोग खराब होंगे अपने घरों में कुछ बात होंगे, अल्लाह के फजल को हमसे बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे दोनों के साथ करते हैं आज के बहुत प्यारे से व्लॉग का आगाज। तो आज की रेमेडी है सर्दी खांसी के लिए। मेरी काफ़ी बहनें पूछ रही थी कि भाई बच्चों का सीना जकड़ा हुआ है, एक मंथ के या दो मंथ के या तीन मंथ के, तो भाई इतने से बच्चे को हम इतनी सारी चीज़ें डाल के तो कोई कहवा नहीं दे सकते। तो इसके लिए मैं आसान सी रेमेडी बता दूँ कि भाई आप क्या करें। थोड़ी सी ले लें इत्र की हल्दी और उसमें ले लें आप थोड़ा सा अजवाइन ले लें, ठीक है, अजवाइन ले लें या तो पान की डंडी ले लें। पान की डंडी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाती, ना मिले तो आप अजवाइन ले लें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप दो गिलास पानी में बॉईल कर लें, एक कप बना लेना। एक चुटकी हल्दी डालनी है, हमने एक टाइम की रेमेडी बनानी है, हमने स्टोर करके नहीं रखनी, सिर्फ इतनी सी जस्ट एक चुटकी, ठीक है। तो उसको बॉईल करके छान लें, छान के उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें, जितना कि आप जायके में यूज़ कर सकें उतना ले लें आप, ठीक है। तो अपने बच्चों को दें, इंशाल्लाह सर्दी खांसी से आराम मिलेगा। तीन चार टाइम आपने बच्चों को कहवा देना, तीन चार दिन में इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ये आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की भगोचियाँ, ओ मंगोचियाँ सर। अच्छा जी, तो ये मूंग की दाल है, ये पीस के रखी हुई है। आज ना चली गई है, लाइट चली गई है, आने का नाम ही नहीं ले रही लाइट तो बिल्कुल भी। अरे एक और मेहमान इसके साथ साथ हमारे घर में आए हुए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है आप? हाँ जी, तो ये होगी रेडी। इसके साथ साथ एक और बात है, नहीं तो कभी सलाम ना करी बोल के भी। अच्छा जी, एक और बात है ना इसके साथ साथ, इतनी गंदी स्मेल पूरे घर में फैली हुई है, ना काबिले बर्दाश्त, पर इसका जायका बहुत अच्छा होता है मंगोचियों का। मुझे मूंग की दाल पसंद नहीं पर मंगोचियों में खा लेती हूँ। रेसिपी भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती रहूँगी, दुआ करें कि लाइट आ जाए। थोड़ा सा पानी निकाल के दाल ना फेंक दूँ। अच्छा अच्छा, दाल ना फेंक दूँ, ये निकाल लिया पानी इसका, ठीक है। अभी इतना सा बचा है, ये भी हमने वेस्ट नहीं करनी, ये भी काम में आ जाएगी, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, ठीक है। मैंने क्या क्या किया इसमें, क्या क्या डाला, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ये मैंने प्याज कटिंग कर ली है इसके मसाले के लिए, और एक अदर टमाटर है, ये लहसुन अदरक है, और योगर्ट है, और हाँ जी ये जो मैंने मिक्स कप करके रखा था ना दाल का सामान, मैंने नहीं सॉरी मम्मा ने और भाभी ने पीसी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अब फ्राई करना है, इसमें मैंने क्या क्या डाला है, मिदासनी, बिस्मिल्लाह, नमक मिर्च हल्दी और गोल वाला धनिया साबुत धनिया और जीरा और हरी मिर्च प्याज और धनिया डाला है। इसको ऐसे फ्राई करके रख लेना और ऐसे इसके पकोड़े बना, मज़ा आया, बना लेने हैं। देन अब इसको मैं जब बनाऊंगी, इसको मैं मसाला भूनूंगी, इसमें जो शोरबा करूंगी, किस तरह से ऐड करना है वो अभी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। भाभी ये बाप बड़ी है भी बनती थी ना, वो कैसे स्टीम में पकती होती हैं, ये बाप बड़ी नहीं है, ये फ्राई वाली है ना, ये मंगोचियाँ बोलते हैं इसको, है ना, मंगोचियाँ बोलते। तो हाँ जी व्यूअर्स, ये रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैंने फ्राई कर ली हुई है तकरीबन, अभी बस थोड़ा सा रह गया, ये भी फ्राई हो जाए इसका मसाला। ये मैंने कद्दूकश करी, लाइट अभी तक कोई नहीं आई, लाइट अभी तक गई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कद्दूकश की हेल्प से कर लूँगी और इसको चटुबटे में क्रश कर लेंगे, ठीक है। तो भी बस जैसे भी होता है मैं आपको बता जी। तो अभी बस ये मसाला हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है, बल्कि सेपरेट हो गया है, घी सेपरेट हो गया, मसाला सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी, क्योंकि खाली पकौड़े मसाले में सुनना मिक्स करके पकाए जाएंगे इस वजह से, और ये पानी इसमें रहेगा बहुत थोड़ा, हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। अच्छा जी, इधर सीपनी ने रोटियाँ पकानी शुरू कर दी हैं, लेकिन नहीं पका ली हैं, एक ही आई थी कोई, और ये भी देखें रेडी हो गए हैं माशाल्लाह सारे पकौड़े बन के। और तो इसमें एक गिलास पानी और ऐड कर लेते हैं, तकरीबन दो गिलास पानी ऐड किया, इसे अब अच्छे तरीके से शोरबे को पकाना है, पकाना है, पकाना है, पकाना है, पकाना है, बाद में इसके बीच में ही ऐड करने हैं। अच्छा, इसके मसाले में मैंने क्या क्या डाला था ये भी मैं आपको बता दी। इसके मसाले में मैंने डाला था एक छोटी सी प्याज ली थी, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसके अलावा लहसुन अदरक और एक टमाटर, दही और लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक
और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें स्पाइस मैंने ऐड की और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ चुकी है। जी ये देखें। अच्छा ये रोटियाँ अच्छी बना रही है, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर नहीं अच्छी बना रही तो आपने मुझे तब भी बताना है, नहीं तो हम इसके हाथ तवे के ऊपर रख देंगे। नहीं रखा नहीं, बेल के दिखाओ रोटी। चलो जी व्यूअर्स तो ये रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, फर्स्ट फाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारी मंगोचियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अच्छा दानिश भाई को भी और जुनेद भाई को भी मैंने खाना दे दिया है और मम्मा को भी खाना दे दिया है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा लेट आई और जल्दी जल्दी मैं खाना बनाया तो उन दोनों को मैंने सर्व कर दिया है। देखिए कैसा लग रहा है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये देखिए, क्योंकि मैं मसाला ग्राइंड करके डालती होती हूँ, आज ग्राइंडर नहीं मैं चला सकी लाइट ना होने की वजह से, तो मैंने खाना बना लिया इस तरह ही, क्योंकि काम तो हमने गुजारना ही था ना, जल्दी जल्दी काम करना ही था, खाना खाने बगैर थोड़ी हम रह सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो चुके, आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई करिए, यकीन करिए बहुत मज़े की लगती है डिश, है ना दानिश भाई? इसे ना पसंद आ जाए इसको समझिए, शामी कबाब और खा जा, कोफ्ते समझ के खा जा। जी तो व्यूअर्स अब हम खाना वाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुके हैं और मम्मा जी सो चुकी हैं। खाना खाने के बाद उन्हें इतनी प्यारी नींद आई, हमने जाना था कहीं बाहर तो मम्मा जी गई सो, तो अब हमने सोचा व्लॉग तो हमने एंड करना ही है ना, है ना भाई? मंगोचियाँ कैसी लगी आपको? अच्छा ये ना कहती मैं ना शादी से पहले ना मतलब के मंगोचियाँ को सालन नहीं खाती, जो पकौड़े बने होते ना वो खा लेती, भाई ये क्या तरीका हुआ? जैसे ही मेरे वाली बात, मैं मूंग की दाल नहीं खाती, मूंग की दाल के पराठे खा लेती हूँ, मूंग की दाल बिल्कुल भी नहीं खाती, मूंग की दाल की निम्को खा लेती हूँ, वैसे ही बेसन की चीजें नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा लेते। अब एक काम करें जी, नेल पेंट लगाए, मैं नेल पेंट लेकर आई हूँ व्यूअर्स, देखें मैं नेल पेंट भी लेकर आई हूँ, न्यू नहीं लेकर आई, नीचे से लेकर आई हूँ, मतलब अपने डॉर्स में से डॉर्स क्या बोला तूने पहले क्या लेके आई हूँ, दराज में से लेकर आई हूँ ये, तो मैं सोच रही थी आज मैं नेल पेंट लगाऊं, कैसे लग रहे हैं मेरे नेल्स? तो ऐसे ना पहले मेरे नेल जितने इतने लंबे होते थे, एक एक इंच लंबे होते थे, पकड़ने वाले लोग पकड़ के देखते थे ये असली नेल है, पर जब से मैं बीमार हुई, मुझे किडनी का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद से ना मेरे नेल भरने बंद हो गए, मतलब के प्रोटीन लॉस, तो उसकी वजह से ना मेरे नेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई, और हेयर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ। अच्छा ये मेरे बालों में ऑयल भी लगा दें। अच्छा मैं तो काम कर दूंगी आपका। हाँ तो आप मेरा भी काम कर दो। कौन है ये लोग? क्या काम कर दो? ये देखो अल्लाह, ये मेरे पिछले हफ्ते करी है, फिर भी मुझे नहीं पता। अच्छा ना मैं काफी लेडीज होती हैं कि वो ना हर वीक में पार्लर लाजमी जाती है, क्यों? क्योंकि हमने प्लगिंग करवानी है, हमने अपर लिप्स करवाने हैं, हमने ये करवाना, हमने फोरहेड करवाना, हमने फेस थ्रेडिंग करवानी है, और एक हम अपने घर का पार्लर होने के बावजूद भी सालों साल अपनी शक्ल पे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, वो भी अब मम्मा बोलने लगी कि अपने ऊपर कुछ तवज्जो किया करो, अपने आप को ग्रूम करा करो। मेरी मम्मा कहती कि जब हम शादी से पहले अपने हर चीज का ध्यान रखते थे, कि मतलब कि उठना बैठना चलना फिरना बालों का हर चीज का ध्यान रखते थे और हमारी स्किन इतनी क्लीन होती थी, पर तुम भी इस तरह ही रहा करो, मेरी मम्मा हर चीज पे हमें लाजमी टोकती है, इस तरह नहीं, और वो बात सही भी है, कहीं हर जगह मामा की बात ना ठीक होती है, क्योंकि हमने जाना होता है बाहर जाना होता है, जो स्कूल गर्ल्स होती हैं कॉलेज गर्ल्स होती हैं, भाई गुनाह वाली बात कुछ नहीं, सफाई निफ्सी मान होती है, इंसान को अपने आप को घूम रखना कोई बुरी बात नहीं है। दासिनी भैया आपको क्या मुसीबत है? क्या बार बार पसीना क्यों पूछती रहती हूँ? पसीना आता ही बहुत है। अच्छा व्यूअर्स पूछते हैं कि भाभी के कमरे पर पंखा नहीं है, हाय बेचारी जुल्मा दी मारी हुई, मेरे बड़के साडे कोल पंखा नहीं है, माशाल्लाह हवा इतनी खूबसूरत चल रही है ना, मेरे बड़के पास दो पंखे हैं, दो पंखे हैं, वो आपको नजर नहीं आती क्योंकि ना ये छत थोड़ी सी नीची है, तो जुनेद भाई का सर बच जाता होता है खड़े होके, इसलिए हमने यहाँ पे पंखा नहीं लगवाया ऊपर वाला, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह के करम से हम इन्हें एसी लगवा के देंगे, ठीक है ना? और पंखा भी है, मतलब कि जो दीवार में फिक्स होते हैं ना वो वाला है, तो ये कभी उधर टांग लेते होते हैं, वो जो आपको बांस दिख रहे ना कभी उनके ऊपर टांग लेते होते हैं और कभी इधर कमरे में रख के लगा लेते होते हैं, इस वजह से हमने वो कहीं एक जगह फिक्स नहीं करवाया, वरना इनके पास दो पंखे हैं, इतनी दो पंखे, एक पंखा मुझे दे दे ठाकुर। चलो ले लो। अच्छा नेल पेंट लगाने शुरू करो ना, आप नेल पेंट लगाने शुरू करो इंशाल्लाह, फिर मैं आपकी प्लगिंग भी कर दूंगी परसों नहीं। तो आना लाई टमाटरी रंग, वैसे ना ये मैं लेकर आई थी ब्राइडल रेड, जल्दी जल्दी में लाई, मेरे वहां चेक नहीं किया, इतने मोटा कोट नहीं करना। अच्छा तो ये ना मैं ब्राइडल रेड लेकर आई थी, पर मैंने वहां देखा तो मुझे, मैंने देखा नहीं, जब मैंने घर आके देखा ना तो मेरा दिमाग घूम गया, पर अब क्या करें, अब इसे वापस नहीं कर सकती, जहां से मैं लेकर आई थी वो शॉप बहुत दूर थी,
तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। देखो नहीं सब आ रही नहीं ना आ रही, व्यूअर्स मुझे बताएं कमेंट्स में, सही नहीं ना लगा रही, नहीं सही लगा रही के प्यार मोहब्बत से लगा रही। अच्छा ये काम आप फाइनल करें, आपने मेरे बालों में हेयर ऑयल भी लगाना, ठीक है। अच्छा जी तो फिर मैं आपकी भी क्लिपिंग कर देती हूँ। मम्मा ने हमसे वादा किया था कि वो लेके जाएंगी हमें बाहर, वो जैसे ना बच्चों को कह देते हैं ना जल्दी जल्दी ये काम करो फिर तुम्हें पार्क लेकर जाएंगे, तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगे वो चीज़ दिलाएंगे, जल्दी जल्दी छोरियों खाना बना लो दोपहर को फिर तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी बाहर। बाहर क्या शाम का भी काम, हमने शाम का भी काम खत्म कर लिया, तो अब मम्मा सो गई और मैंने कहा नीचे बड़बड़ 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 करते हुए हम बोलेंगे तो फिर मम्मा की नींद खराब हो जाएगी, इसीलिए हम ऊपर आ गए। तो भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या मसला, हर जगह का मौसम बदल गया, पता नहीं यहाँ क्यों आग बरस रही है, व्हाई दिस। तो आप दुआ करें कि मौसम बेहतर हो जाए। ये देखें कैसी लग रही है व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में, पता नहीं अंगूठा भी मेरा आधा ही है, मैंने दे भी ला, चलो ध्यान ना लानी, आपने लगानी है नहीं। अच्छा तो ठीक है व्यूअर्स, अब कोशिश करेंगे मम्मा को उठाने की, अगर जल्दी उठ गई तो, वरना मम्मा सो जाए तो 2-3 घंटों से पहले उठती नहीं है। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और हम एक दूसरे बार मिलते हैं इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।